सभी को नमस्कार, मैं हूं सुभाष। आप देख रहे हैं YouTube का प्राचीन कहना चैनल को और मैं फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा अपने कुछ व्यूवर्स के क्वेश्चंस के बारे में। उन्होंने मुझसे रिसेंटली WhatsApp और मेल के थ्रू एक सवाल पूछा है जो सुनने में बहुत साधारण लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह सवाल मैंने अब से 7 साल पहले खुद भी एक्सपीरियंस किया है। तो मैं कोशिश करूंगा अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के साथ साथ में इस सवाल का आंसर देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये सवाल बता देता हूं कि उन लोगों ने क्या पूछा है। ऑलरेडी आपने थंबनेल में पढ़ भी लिया होगा लेकिन मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं ताकि क्लैरिटी आ जाए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको उनका सवाल बता देता हूं। दोस्तों, उन्होंने मुझसे ऐसा एक्सपीरियंस शेयर किया है कि किसी के साथ में पिछले 10 दिन से, किसी के साथ में पिछले 20 दिन से और किसी के साथ में 30 दिन से कंटिन्यूसली ऐसा एक्सपीरियंस वो फील कर रहे हैं कि जैसे ही सूर्योदय होने से पहले, यानी कि जो ब्रह्म मुहूर्त रहता है उसमें लगभग लगभग एक ही समय पर उनकी आंखें खुल जाती हैं। जब पहले उनके साथ में ऐसा हुआ, जैसे कि पहले दिन हुआ, दूसरे दिन हुआ, तीसरे दिन हुआ या विद इन वीक में ये सारी चीज़ें होती गईं, तो उन्हें लगा कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है कि जो हमें डिस्टर्ब कर रही है, जिसकी वजह से हम उठ जा रहे हैं। और दोस्तों, एक मजे की बात यह है कि वो लोग चाहे रात के 1:30 बजे सोए हों, 1 बजे सोए हों, चाहे कितने टायर्ड हों, कितने भी थके हों, लेकिन उसके बाद भी जैसा उन्होंने मुझे बताया कि उनकी आंखें खुल जाती हैं। सो एक चीज़ और मैं इसमें आगे बढ़ने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि जो गांव में लोग बसते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, अक्सर वो जल्दी सोया करते हैं और जल्दी उठ जाते हैं। तो उनके विषय में तो एक चीज़ समझ में आती है, जो बल्कि उनके अपोजिट जो हम शहर में लोग रहते हैं, हम अक्सर देर में सोते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग जिनकी आंखें सुबह जल्दी सूर्योदय होने से पहले या ब्रह्म मुहूर्त में होने से पहले उनकी खुल जाती हैं, तो उनके लिए साधारण नहीं है। क्योंकि एक दिन ऐसा होगा तो समझ में आता है, 2 दिन ऐसा होगा तो भी समझ में आता है, लेकिन लास्ट 10 दिन से, 20 दिन से या 30 दिन से ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं एक संकोच का भाव हमारे दिमाग में जरूर आएगा। तो सेम उनके साथ में भी यही घटना हुई है, तो उन्हें भी संकोच आया, इसीलिए उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। और मैं भी उनका रिप्लाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह सवाल बहुत सारे लोगों का सवाल हो सकता है और यह सवाल आपकी बहुत मदद करेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि हो सकता है कि 10 से ज़्यादा मिनट का ये वीडियो बन जाए, लेकिन ये प्योर कंटेंट है, इसमें आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। और दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया में रह रहे हो तो ही आपको ऐसा होगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त हर जगह रहता है, चाहे वो कहीं का भी कोई भी टाइम जोन हो, चाहे आप USA में रहते हो, चाहे आप मेक्सिको में रहते हो, चाहे आप कनाडा में हो, चाहे किसी भी कंट्री में हो, वहाँ पे भी एक ब्रह्म मुहूर्त जैसी सिचुएशन है वो डेली बेसिस पे बनती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे। लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइमिंग रहती है वो पहले सुबह में सूर्योदय होने से पहले ही रहती है, तो ऐसे टाइमिंग हर देश में होता है। सो हो सकता है कि वहाँ के लोग भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हों। तो चलिए दोस्तों, अब बात करता हूँ वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे, और इस पार्ट में हम बात करेंगे कि ऐसा होता क्यों है। और दोस्तों, जब मैं उन लोगों से बात कर रहा था तो एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा कॉमन जानने को मिली, और वह ये थी कि उन सारे लोगों के साथ में जिनका भी ये ऐसा एक्सपीरियंस चल रहा है, उन्होंने रिसेंटली कोई ना कोई अपने सेक्स को खोया है, जिसके साथ में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में बने हुए थे, जिसके बिना वो नहीं रह सकते थे, या यूँ कहें कि जो भी लोग उनको छोड़ के गए थे उनके साथ में बहुत करीब थे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन जानने को मुझे मिली, और मेरे केस में जब 7 साल पहले मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस करता था तो मुझे भी ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस हुआ। तो बस मेरी एक जिज्ञासा थी उनके जानने के लिए कि शायद इनके साथ में भी ऐसा तो नहीं हो रहा। तो बाद में जब मैं कंफर्म हो गया तो मुझे शायद लगा कि ये जो नॉलेज आज मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके साथ में भी शेयर करने की ज़रूरत है। सो दोस्तों, कुछ होता यह है कि जब सुबह का समय रहता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय जो रहता है, ऐसे में हम सारे लोग सो रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग, और जो हमारे आसपास का जो वातावरण रहता है बहुत शांत रहता है, और यही समय है कि हम जब लोग रहते हैं तो सुनने के बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं, और हमारे जो दिमाग रहता है ये बहुत शांत रहता है, इस समय हमारे विचार बहुत कम रहते हैं। तो और ऐसे समय में एक चीज़ और है, जो हमारे एंजल्स रहते हैं जिसने हम देवी देवताओं के नाम से जानते हैं, या जो स्पिरिट जो हमारे अपने लोग थे जो यहाँ से चले गए हैं,
या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये समय उन लोगों का होता है जो एंजल्स रहते हैं, हमारे देवी देवताएं या जो स्प्रिट रहती हैं उनके लिए विशेष तौर पर रहता है, क्योंकि ऐसे में हम सारे लोग शांत होकर सोए रहते हैं और उनके लिए ये बहुत ईजी रहता है बाहर आने के लिए, कुछ काम करने के लिए। और उसके साथ साथ में एक चीज़ कॉमन ये भी रहती है कि जो हमारे स्प्रिट रहते हैं या जो हमारे अपने परिजन रहते हैं वो हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे में उनके लिए कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना बहुत ईजी रहता है। लेकिन बहुत सारे परिजनों का ये भी मानना रहता है जो यहाँ पर नहीं है, वो चाहते हैं कि जिस तरह से वो मरने से पहले अपना जीवन यापन यहाँ पर कर रहे थे हमारी तरह, लेकिन जब वो यहाँ से गए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गए तो उनको पता लगा कि जो भी काम हम यहाँ कर रहे हैं वो हमारा मेन पर्पस नहीं है, तो वो चाहते हैं कि जो टाइम उन्होंने वेस्ट किया था यहाँ पर रहते हुए वो आप ना करो, आप अपने पर्पस को जानो, जिससे कि आपके साथ में क्या होगा, आपके आगे की लाइफ जो बनेगी, आगे के कर्मा जो बनेंगे बहुत अच्छा बनेंगे, जिससे कि आप आने वाले जन्मों में या आने वाले टाइम में अपने जो मोक्ष का रास्ता है उसको खोल सकें। आप अभी भी जो भी कुछ कर रहे हो वो भी गलत नहीं है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया है कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो कर रहे हो उसका मूल्य बहुत कम है, मतलब वो जो कर्म आप कमा रहे हो वो कहीं ना कहीं हद तक उसका काम बहुत कम है, वो एक सर्वाइवल के तौर पे सही हो सकता है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि एक अच्छे जीवन जिसमें बहुत सारे उच्च कोटि के कर्मा रहेंगे या ऐसी चीज़ें रहेगी जो हमें ऊपर उठाने का काम करेगा, वो बहुत कम रहते हैं। तो हमारे जो मृत परिजन हैं या जो एंजल्स हैं या जो देवी देवताएं हैं जिसके साथ में हमारा लगाव है, जिनकी हम पूजा करते हैं, वर्कशिप करते हैं, वो चाहते हैं कि हम अच्छा काम करें। और दोस्तों एक मज़े की बात यह है कि वो अक्सर आपको इतने रिमाइंडर देंगे, इतनी बार आपको उठाएंगे कि आप संकोच में आ जाओगे। हो सकता हो 10 दिन 20 दिन 30 दिन, हो किसी किसी के केस में ऐसा होता है कि 100 दिन भी वो आपको उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी विडंबना यह है कि हमारी आँख खुलेगी थोड़े दिन देर के लिए, हम अपना मोबाइल पास में उठाएंगे, मोबाइल को देखेंगे, फिर से सो जाएंगे। ये सबसे गलत है, आप उनकी इंसल्ट कर रहे हो। आपको क्या करने की ज़रूरत है, हाथ जोड़ के अगर आप किसी भी भगवान को मानते हैं उनके लिए प्रेयर कर दो, उनसे हाथ जोड़ के कुछ मांग लो कि हमें सद्बुद्धि दो, हमारी मदद करो, आगे का हमारा रास्ता आसान करो। इसके साथ साथ में अगर आप अपने जो परिजन हैं उनसे मदद मांगना चाहते हो तो उनके प्रति थैंकफुल की भावना को दिखाइए और उनसे धन्यवाद दीजिए कि मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो। जैसे ही आपके अंदर इस तरह के भाव आएंगे तो बिलीव मी आपके अवचेतन मन में जैसे आप स्थिर हो जाओगे, जैसे आप शून्य के बहुत करीब आ जाओगे, तो ऑटोमेटिकली वो आपसे क्या मैसेज को देना चाहते हैं, क्या कन्वे करना चाहते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू कन्वे कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप लोगों को डाउट आता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन गलत है, अगर आप सुबह में उठेंगे तो देखिएगा, आप कंटिन्यूसली एक महीना उठिए सुबह के 4 बजे 5 बजे 3 बजे, और अगर आप भगवान का सिर्फ ओम नमः शिवाय भी करेंगे, कोई मंत्र भी जाप करेंगे, और ऐसा मंत्र जो हम सबके बीच में है, तो उससे भी आपको इतना फायदा हो जाएगा कि आपकी जो बुद्धि है उसकी बहुत वृद्धि हो जाएगी और आप अच्छे कामों में लग जाएंगे। तो बस मेरा कहने का मतलब ये था दोस्तों कि प्लीज़ अगर आप ऐसा कर सकते हो तो मानिए, नहीं कर सकते तो छोड़िए, बस आपके ऊपर है। आई होप कि इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं हूँ आपका दोस्त सुभाष। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आने वाली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। आप चाहे तो आप भी अपनी क्वेरी को भेज सकते हैं, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। थैंक यू।